हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डियर एग्रीकल्चर में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो यूनिट 7 से संबंधित है, पर इसमें यूनिट 5 का एक बिंदु अपना रह गया था। एक कमेंट मुझे प्राप्त हुआ, रिग्रेशन का बिंदु रह चुका था, उसे आज जो कमेंट मिला उनके लिए ये एक सरप्राइज हो सकता है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। ICMR के अनुसार, यानी कि वीडियो को आपको पूरा देखना है, तो ICMR के अनुसार यदि प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो 300 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है, ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये मिल्क से संबंधित है। पूर्ण दूध में, देखो दोस्तों, यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाता है। पूर्ण दूध में वसा पूछे तो उसमें 3.5%, SNF पूछे तो 8.5% तक होता है। SNF की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, दूध के संगठन की बात करते हैं। दूध का संगठन कितना होता है, तो पानी की बात करें, संगठन में क्या क्या आता है वो देखिए। देखो, पानी की यदि बात करें तो पानी 80 से 90% तक होता है जनरली। देखो, यदि आपको पूछ ले दूध का संगठन, फिर आपको आंसर क्या करना है, 80 से 90%। यदि आपको अलग अलग पूछे मेरे दोस्तों, तो अलग अलग भेड़ में, गाय में, भैंस में इनकी अलग अलग मात्रा होती है। भैंस में बता रहा हूँ 82.20, गाय में बता रहा हूँ 87%, भेड़ में बता रहा हूँ 80%। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 1 ग्राम वसा के दहन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ये प्रश्न भी एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए इस पर मोस्ट M लगा लीजिए मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, दूध में कितनी नाइट्रोजन होती है। देखो, इम्पोर्टेंट जानकारी आ गई, 0.5% आ गई। साहीवाल नस्ल की गाय के दूध में लैक्टोज कितना पाया जाता है, तो 5% लैक्टोज पाया जाता है। आगे चलते हैं, दूध में वसा विलेय विटामिन की बात करें, तो वसा विलेय जो विटामिन हैं वो ADE के होते हैं, और जल विलेय विटामिन की बात करें तो वह बी और सी दो ही विटामिन हैं। वसा विलेय विटामिन की संख्या पूछे तो भी आप बता सकते हो, जल विलेय विटामिन की संख्या पूछे तो भी आप बता सकते हो। दूध के pH की बात करें, तो दूध का जो pH है वो 6.4 से 6.7 pH होता है, ध्यान में रखना दोस्तों। दोस्तों, दूध का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 101 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट की हिंदी में आपको बता दूं, उबाल बिंदु। दोस्तों, दूध का आपेक्षिक घनत्व आपको यदि पूछे तो 1.028 से 1.032 होता है, आपेक्षिक घनत्व, ध्यान में रखना। मिल्क प्रोसेसिंग की बात करेंगे, यानी कि एक बिंदु है आपके सिलेबस में यूनिट 7 में मिल्क प्रोसेसिंग, उसकी यदि बात करें तो स्टेलाइजेशन पहली विधि आती है मिल्क प्रोसेसिंग में, तो इसका उद्देश्य क्या है उसकी बात कर लेते हैं। दूध में उपस्थित सभी हानिकारक व लाभदायक, बिल्कुल दोस्तों, हानिकारक व लाभदायक जीवाणुओं को नष्ट इसमें कर दिया जाता है। इसमें दूध को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक, बिल्कुल 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, मिनट तक। ये क्रिया करने के बाद दूध का क्या नहीं होता, किण्वन नहीं होता, दूध का किण्वन नहीं होता, ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे चलते हैं, एक विधि आती है मेरे दोस्तों, पास्टुराइजेशन। देखो, इसका उत्पत्ति किसने की, आविष्कार किसने किया, लुईस पाश्चर ने। दोस्तों देखो, यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, जीवाणु 99% तक मरते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो दोस्तों, इसमें भी दो टाइप आ गए, LT, यानी कि क्या है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, बिल्कुल दोस्तों। अन्य नाम, अब इसका अन्य नाम आजकल पूछा जाता है, होल्डिंग मेथड इसे कहते हैं। देखो, 62.8 डिग्री सेल्सियस या 145 डिग्री फारेनहाइट, और इसमें टाइम कितना रखेंगे, 30 मिनट का समय रखा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, HTST की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मेरे मित्रों, यहाँ पे आपको देखो, मैं वैसे बता देता हूँ, हाई टेम्परेचर सो टाइम। देखो, यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, अन्य नाम कंटिन्यूस मेथड होगा। टेम्परेचर कितना है, 72 डिग्री सेल्सियस या 160 डिग्री फारेनहाइट तक इसमें ये रखा जाता है तापमान।
टाइम की बात करें तो ओनली 15 सेकेंड समय रखा जाता है। UHT इसकी, बिल्कुल दोस्तों इसकी आप फुल फॉर्म मुझे कमेंट में देना। दो मैंने बताया SNF और UHT की। और दोस्तों आगे चलते हैं, इसमें क्या रखा जाता है, तापमान 135 से 149 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 से 5 सेकंड। बिल्कुल दोस्तों 1 से 5 सेकंड इसका समय पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट बात हो गई। यहाँ से चलते हैं, और गर्म करने के बाद इसे क्या कर लिया जाता है, ठंडा कर लिया जाता है। एक विधि होमोजेनाइजेशन होती है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। वसा को छोटे छोटे कणों में विभाजित इसमें किया जाता है। एक दोस्तों चिलिंग होता है, जिसके अंदर 4 डिग्री ताप रखा जाता है, 10 से 12 घंटे पर इसमें भंडारण जरूर किया जाता है। ये तो दोस्तों एक आती है अन्नपूर्णा दूध योजना। जो अन्नपूर्णा दूध योजना है वो 2 जुलाई, बिल्कुल दोस्तों 2 जुलाई 2018 में, ये 2 जुलाई दोस्तों 2 जुलाई 2018 में इसे लागू किया गया था। और इस योजना के बारे में आपको कोई भी जानकारी है, अन्नपूर्णा दूध योजना के बारे में आपको यदि कोई भी जानकारी है तो वो मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आगे चलते हैं, रिग्रेशन, जैसा कि मैंने कहा यूनिट 5 का ये बिंदु है रिग्रेशन। ये डाइविशन के बाद का टॉपिक है, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। तो हमने कोरिलेशन तक पढ़ा था, रिग्रेशन की बात हमने नहीं की, इसलिए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। रिग्रेशन का एक बात करें तो दोस्तों यूज सर फ्रांसिस गाल्टन ने ये किया था, और कब किया, ये 1877 में, 1877 में से किया गया था, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसकी रेंज पूछी जाती है तो दोस्तों प्लस, बिल्कुल दोस्तों प्लस अनंत से माइनस अनंत, बिल्कुल ये रेंज आपको ध्यान में रखनी है। अब रिग्रेशन होता क्या है, यदि हम रिग्रेशन की बात करें तो एक चर के मूल्यों के आधार पर दूसरे चर के मूल्य का अनुमान लगाने की विधि है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और दोस्तों आज शाम को, बिल्कुल दोस्तों आज रात तक आपके पास 500 प्रश्नों में से 200 प्रश्नों का सेट आप तक जरूर पहुंच जाएगा, तो इंतज़ार कीजिए दोस्तों, और इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त भी होने वाली है। ओके, थैंक यू दोस्तों।